इसमें फ्यूचर का चेंजेस नहीं होता? नो बेटे, नाउ कम टू एग्जाम्पल्स. हाँ, आई एम राइटिंग सम एग्जाम्पल्स. सर आपका इतना लाइट कम क्यों आ रहा? लाइट ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए बाबू, लाइट ठीक है जी. ब्राइटनेस फुल भी करती है, थोड़ा सा कम देती है। सर हमें लिखना है अभी। वेट बेटा, पहले समझना है. तो उसे समझने के बाद लिखने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम लीजिए। डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली दूंगा, टाइम जरूर दूंगा, डेफिनेटली दूंगा. पहले आप राइट समझ सर, लो अच्छे से, फिर मैं आपको टाइम जरूर दूंगा, आई प्रॉमिस. यस बेटा, सर हाँ बेटा, कैन यू राइट क्वेश्चन? ये आप चलो ठीक है. आप ऐसा करते हैं, हम लोग एक साथ पहले समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना? तो बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज, सबको ये बात पता है दैट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है ना, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो वाइल चेंजिंग जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो क्या हो जाएगा बेटा? शिल्पी टोल्ड, सेट टू विल बी चेंज, सेट टू वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इट इज प्रोसीडेड बाय. सो शिल्पी टोल्ड आराध्या. अब क्या होगा बेटा? इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड, और इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास वी प्लेस दैट, दैट का यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चों? दैट यू वेयर प्लानिंग. तो यह यू बेटा किसके लिए आ रहा है? तुम्हारे लिए शिल्पी ने आराध्या को कहा कि तुम, तो ये तुम किसके लिए आ रहा है? आराध्या या शिल्पी के लिए? राधिया, राधिया आराध्या के लिए. तो ये क्या हो ना जाएगा ना बेटा? शी. वेरी गुड. तो ये क्या हो जाएगा? शी. अब शी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो सी हैड बिन, है ना बच्चों? सी हैड बिन यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. सी हैड बिन प्लानिंग टू विजिट गोवा. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट. द स्टूडेंट सेड सर दैट टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। लुक एट दिस चिल्ड्रन, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड वी वेयर ऑर्गेनाइजिंग फॉर द साइंस एग्जीबिशन, ठीक है ना?
तो बेटा जब हम टर्न करते तो सबसे पहला मेरा अटेंशन कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे कि ये किस टेंस का है, फर्स्ट अटेंशन। दूसरा अटेंशन जाएगा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, ठीक है ना। तो ये पास्ट में है तो ये चेंज होगा, ये मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूंगा, द स्टूडेंट सेड का सेड रह जाएगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। द स्टूडेंट्स सेड सेड, अब क्या होगा, एक चेंज होगा, पहला चेंज होगा, दैट क्या चेंज होगा, इनवर्टेड कॉमास की जगह पे दैट का यूज हो जाएगा। दैट, यहाँ वी, हम लोग सेड किसके बिल लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए, वेरी इंटेलिजेंट, दे होगा, बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट, दे हैड बिन, है ना। कॉन्टिन्यूअस चेंज किस में हो जाएगा बेटा, हैड बीन हैड बिन ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग और यानी फॉर द फॉर द साइंस साइंस एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, फॉर द द साइंस नाइसेस्ट, एग्जीबिशन, फॉर वाह, द साइंस बहुत ब्रिलियंट, एग्जीबिशन, फॉर द ब्रिलियंट साइंस चिल्ड्रन, एग्जीबिशन आप सभी ब्रिलियंट हो, बहुत गुड। सर सर द मतलब THE का प्रोनाउंसिएशन डी होगा या द होगा? बेटा दोनों होता है, ठीक है ना। इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवल देन इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज द, ओके। एंड इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अ किसके द्वारा, कंसोनेंट, देन दे विल प्रोनाउंस, ठीक है। सर एक बार हिंदी में बता सकते हैं? हाँ बता सकता हूँ बेटा, आपको जरूर बताऊंगा, हिंदी में बता रहा हूँ। देखो द बोलेंगे बेटा, वॉवल्स वाले वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है ना, सर उसके वॉवल्स आगे वॉवल्स वाले हाँ, वर्ड उसके आगे अगर वॉवल्स का वर्ड के आगे अगर द लगा हुआ है तो उसको द कहेंगे, ठीक है। और कोई कॉन्सोनेंट का है, ठीक है ना, वर्ड, तो उसके पहले द लगा है तो उसको हम लोग दी प्रोनाउंस करेंगे, समझ आ रही है बेटा। सर जैसे द एरोप्लेन और दी बैट, दी बैट राइट, वेरी गुड, समझ आ गई अच्छे से, यस मैं गुड बॉय, गुड बॉय, बॉय नहीं मैं गर्ल ओ नाइस। अब बेटा हम लोग थर्ड एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल इस रूल के देखते हैं, मैं लिखता हूं आपके लिए। लक्ष्मी ऑन करो बाबू, यमन शैतान ऑन कीजिए, निधि बाबू ऑन कीजिए, स्वस्तिका भोली। मामे गार्डनर गार्डनर बेटा, लैंडलेडी क्या होता है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडलेडी? मालकिन समझती हो बेटो, यस सर जैसे यस किसी एनिमल की मालकिन मालकिन मेनली, आप समझ जाओ, मीन्स लैंड लेडी, ओके। हाँ ओके सर बेटा, मैंने कहा ये बेटा, मैंने लिखा एग्जाम्पल में द गार्डनर, गार्डनर आपको समझ आती है, यस सर वेरी वेल, द यस सर जो गार्डनर, गार्डनिंग करता है गार्डनर मतलब वेरी मालिक वेल, मालिक, मालिक, द गार्डनर गार्डनर सेड टू द लैंड लेडी, द आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टूडे, ओ सॉरी टूडे, यस। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कहाँ कहाँ चेंज होगा, पहला देखेंगे, पहले बेटा गौर करेंगे, पहला चेंज हमारा कहाँ होगा, सेट टू बेटा पहला चेंज हुआ है ना, सर टोल्ड होगा वेरी वेल, द गार्डनर गार्डनर टोल्ड नॉट द टोल्ड टू मी गार्डनर, दी गार्डनर। दी गार्डनर टोल्ड अभी अभी हम लोग सीख रहे थे, दी टोल्ड टू मी गार्डनर टोल्ड 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 लैंड लेडी लैंडलेडी दैट, नाउ लैंडलेडी अब कौन सा दैट चेंज हुआ बेटा, इनवर्टेड कॉमा चेंज हुआ और दैट का दैट ऐड ही हुआ, हैड ठीक है ना। दैट आई के जगह पे क्या हो जाएगा हैड बेटा, ही,
had not been been feeling well well that day. Today will that change day into that day. that day Nice. All of you are really very, very intelligent children. Really children. Now children, अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको और चेंजेस के बारे में बताना चाहूंगा बेटा, रिव्यू कर लेता हूँ ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के जरिए. फर्स्ट चेंज, यहाँ सेट टू चेंज्ड इनटू, किस में चेंज हो गया, टोल ये टोल्ड में ठीक है ना. टोल यू यू किस में चेंज हो गया, सी सर शी में सी है ना. फिर अगले में में कोई चेंज सेड नहीं हुआ चेंज, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. इन्वर्टेड कॉमा जो सर है इसमें चेंज हुआ, और इन्वर्टेड कॉमा चेंज हुआ तो क्या ऐड हुआ, डैड दैट. ब्रिलियंट. अब उसके बाद फिर अगला चेंज इस सेंटेंस में क्या हुआ, वी का चेंज हुआ ना, वी वी भी चेंज हुआ. वी किस में चेंज हो गया, अकॉर्डिंग टू द सेंस दे में दे ठीक है ना. फिर अगला चेंज क्या हुआ, टेंस का चेंज हुआ, किसका चेंज हुआ, टेंस का दे चेंज हुआ, हुआ ना बच्चों. फिर यस बेटा अब वेरी वेल, लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखते, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल सेट टू जो है वो किस में बदल गया, टोल्ड में. पहला चेंज, टोल दूसरा चेंज इन्वर्टेड आई कॉमा चेंज इनटू दैट ठीक है दैट ना. नेक्स्ट बेटा आई, आई चेंज हो गया किस में, ही में ठीक है. अगला चेंज कौन सा हुआ, टेंस का चेंज हो गया है ना. और लास्ट चेंज इस सेंटेंस में क्या हुआ, टुडे चेंज इनटू दैट डे. आई होप ऑल ऑफ यू इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सभी बच्चे को अच्छे से समझ आ रही है. यस सर एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो, मैं यहाँ हूँ बेटा. आई विल हेल्प यू, डोंट हेजिटेट, नो सर नो सर आस्क फ्रीली. इफ नॉट, नोट डाउन वेरी कामली, वेरी कामली, एकदम अच्छे से नोट करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं. हाँ टीवी पर टीवी बज रहा है. है सर माय वर्क इज फिनिश यस सर, सॉन्ग. सर किसी के घर में टीवी बजता है यस सर वो गाना चल जा सर ऑर्गेनाइजिंग को वहां पे ऑर्गेजिंग लिखे हैं आप सर, सेकेंड सेकेंड एग्जांपल. यस बेटा हाँ, ये आप ठीक कर लेंगे. ऑर्गेनाइजिंग यस एंड नाइज, होता क्या है ना बेटा, जल्दी जल्दी में लिखने के क्रम में ऐसा यस होता है. होता है सर सबसे. रोशनी बाबू, रोशन कीजिए भले, एल एच में बिलोंग करो. अब शैतान वीडियो बंद करके सोए हुए रहती है. जो नहीं लिख पाया बाबू ग्रुप में भेज दिए हैं. सही हुआ लिख सही लीजिए सर रोशन. आपने फर्स्ट में शिल्पी लिखा है तो सर वो शिल्पी पढ़ेंगे कि आप शिल्पी लिखे थे या शिल्पी ही लिखे हैं शिल्पी ही लिखा स्लीपी होते हैं अगर एच में इधर छूट रहा है ना. SHI सही सर हाँ सॉरी ओह गॉड, व्हाट अ मिस्टेक आई डू. क्या सर नाम था मैं इधर, शिल्पी. शिल्पी सर मैं वहां पर आराध्या की जगह अरीना लिखी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सर यू आर सेलिब्रेटिंग दिवाली विद क्रैक या डेफिनेटली डेफिनेटली चिल्ड्रन, डेफिनेटली सर आइए वी बताओ ऑल तो या सर आप आई एवरीवन. लाइक क्रैकर्स ओह नाइस, लाइक स्वीटली बॉम बट एंड मिर्ची पटाख तो सर नाइस. आप राज किशोर सर के साथ सेलिब्रेट करिएगा ओके, अरे आई शैल ट्राई. बाप
नोट डाउन चिल्ड्रेन, डन सर। ऑल ऑफ यू, नो सर। तो लिख लो बेटा, लिख लो। मनु ऑन करो बाबू, ए लक्ष्मी ऑन कीजिए, अरे तो आज संडे भोली। आएंगे सर आज के? हाँ नहीं आज हिसुआ जाना है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्या समझ ही नहीं आ हुआ? रहा, चल रहा सर इन सर ईमेल एग्जाम आई एम ब्रॉट 52। यू आर वेरी क्लोजली वॉच्ड बाय राजकिशोर सर, सो प्लीज डोंट मेक एनी एक्सक्यूज मिसचीफ चिल्ड्रन। ऑल ऑफ यू आर गुड चिल्ड्रन, ब्रिलियंट चिल्ड्रन, आई लाइक यू ऑल। सर यस इट इज। लैंड लेडी लैंड लेडी मीन्स मतलब मालकिन, समझती हो, घर की जो मालकिन होती है ना बेटा, क्या उनको ऑनर भी बोलते, प्रॉपराइटर भी बोलते, लैंड लेडी भी बोलते। ओके, सिनोनिम्स हैं ये सभी, क्लियर सर? है? यस सर। हो गया Can I rub this all? सर। हाँ बेटा, सर जैसे आपने लैंड रेडियो भी बताया तो, और उसके जो 3 4 फॉर्म सबने बताया, तो उसका मालिक मालिक को हम क्या बोल सकते हैं? हिंदी में नो सर, वो इंग्लिश में। सर ऑनर, इन माय कॉपी हैज रिटन प्रॉपर मैंने राइटर। और मालकिन को, दोनों को ऑनर कहते हैं। हाँ। ओके, मिसेस खन्ना इज द प्राउड ऑनर ऑफ दिस अपार्टमेंट, है ना? समझ आ रही है एग्जाम्पल? मिस्टर रवि इज द प्राउड ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग, सर आई तो एम वेरी दोनों के लिए। इरेज कीजिए सर, अभी सब लिख लिया सर, इरेज कीजिए। अब बेटे टेंसेज में और कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना? अब मॉडल्स में जो है वो कुछ जो है वर्ड्स वो चेंज होंगे, ठीक है ना? मॉडल ऑक्सिलियरीज की बात हम लोग करेंगे, ठीक है? कितने बच्चों को मॉडल ऑक्सिलियरीज के बारे में पता है? हाँ 24 कौन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एफ डू डच डी मास्टर मास्टर सोड मैं प्राइमरी ATC। मॉडल्स आर 13 इन नंबर्स। प्राइमरी मॉडल्स जो है बेटे वो मात्र 13 हैं। कितने हैं? तो 13 हैं, ठीक है ना? तो उन प्राइमरी मॉडल्स में जो है सिर्फ कुछ मॉडल्स, जैसे कि मॉडल्स का चेंज ऑफ मॉडल्स। बट वी विल रीड मॉडल्स आल्सो। सर नो बेटे, दिस वी हैव आई टू एम डन। जस्ट
वेट, डोंट राइट, इफ आई एम राइटिंग और इफ द टीचर इज राइटिंग, ओके, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली, अटेंटिवली, लिसन टू हिम, व्हाट एवर ही और शी इज टेलिंग यू, ओके, दीज आर द वेज। बेटा चेंज ऑफ मॉडल्स अब हम लोग देखेंगे, ठीक ना। मॉडल्स में बेटे 13 मैंने आपको बताया, प्राइमरी मॉडल्स आर 13 इन नंबर, बट ये जो है 13 में से कुछ मॉडल्स जैसे विल, शैल, मे, अच्छा कैन, सिर्फ और सिर्फ दीज, ओनली दीज मॉडल्स आर चेंज्ड इनटू इट्स पास्ट फॉर्म, ओके। विल चेंजेस इनटू वुड, विल चेंजेस इनटू वुड, शैल चेंजेस इनटू शुड, ठीक है, मे चेंजेस इनटू माइट इन पास्ट फॉर्म, कैन चेंजेस इनटू कुड, क्लियर है बेटा। मॉडल्स में सिर्फ ये मॉडल्स जो हैं ये इनके ही पास्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे। लुक एट द बोर्ड केयरफुल्ली, अच्छा मैंने लिखा बेटा यहाँ, सोनम सेड आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना। अब आप गौर करो कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा तो डेफिनेटली रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो फिर सिर्फ वहां पे एक फायर हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, तो अब बेटा चेंज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, सोनम सेड दैट सी दैट, कुड चेंज इन टू सी, कैन कुड किस में चल जाएगा बेटा, टू कुड, स्विम अक्रॉस द रिवर। स्टोरी वापिस स्वयं की जगह स्वयं क्यों नहीं आ सकता? इसलिए बेटा कि कैन और कुड के साथ मॉडल्स के साथ हमेशा भी वन यूज में आता है, ऑलवेज जहां कहीं भी मॉडल्स का यूज होता है वो वर्ब वन के साथ ही एग्री होता है, ठीक है। मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगा, ठीक है, आफ्टर दिस नरेशन के बाद। सेकंड एग्जाम्पल, I want to go to home. My mother, someone said to her. So we have to write. सर वहाँ पे ग्रैंड पार्टी की जगह वेडिंग लिख दीजिए। वेडिंग पार्टी हु लाफ्ड, किसे हंसी आई, रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े करो जरा, किसे हंसी आई अभी, व्हाट्स योर नेम, सर्दी सर्वर्दी ओके गुड गर्ल। सर। ठीक है हाँ बेटा, तो
अब इससे जब हम चेंज करेंगे बेटा तो कैसे क्या क्या चेंज मतलब होगा। गो फॉर अ वेडिंग पार्टी दैट नाइट टोल्ड टू हर सन दैट दैट जहां तक पहले दैट सन दैट में गो दैट बोलने जा रहे हैं आप। आपका चेंज क्या होगा दैट इन्वर्टेड दैट ओके दे माइट दैट दैट दे माइट वी किसके लिए आ रहा है बेटा सबके लिए दैट दे दे माइट दे माइट डू फॉर अ माइट वेडिंग पार्टी टुडे वेर जो फॉर अ वेडिंग पार्टी टुडे फॉर अ वेडिंग पार्टी टुनाइट गलत बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत। दैट नाइट दैट नाइट टू दैट नाइट दैट नाइट चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। पूछिए ना सबसे हम लोग से पूछिए ना पूछूंगा बेटे क्वेश्चन ये पीपल है बेटा लास्ट वाला वर्ड पीपल है ठीक है ना। आपको बोर्ड में हो सकता तो ना दिखे मैं पढ़ देता हूँ। द सेंट सेड वी शैल डू समथिंग फॉर द पीपल तो चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा। द सेंट सेंट The सेड दैट sun दे शुड said that दे शुड डू समथिंग something for फॉर the द people. पीपल डू समथिंग फॉर द पीपल समथिंग फॉर द पीपल So that is written 2 or 4. और अब बेटा तो मैं अभी आपको चेंज ऑफ मॉडल्स को एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्राइमरी मॉडल्स आर 13 इन नंबर्स बट सम ऑफ द मॉडल्स आर ओनली चेंज्ड इनटू इट्स पास्ट फॉर्म। 13 मॉडल्स में से कुछ ऐसे ही मॉडल्स हैं जिनके पास्ट फॉर्म होते हैं ठीक है ना। सपोज विल जब पास्ट चेंज होगा वुड मे चेंजेस इनटू One more example. कैन चेंजेस इनटू कुड ओके। नाउ लेट्स चेक आउट द एग्जांपल्स रिटन। अभी हम लोग एग्जांपल्स जो है उनको चेकअप कर लेते पहले समझ लो फिर लिख लेना। पहला एग्जांपल मैंने लिखा था बेटा सोनम सेड आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ कौन सा वर्ड मॉडल है कैन क्या है मॉडल Can है ना। model. हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले चेंज करने से पहले हम लोग किसको ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड वर्ब का स्पीच भी पास मतलब टेन चेंज होगा ठीक है ना। अब बेटा पहला ये देखिए पहला चेंज इसमें क्या हुआ इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे क्या आया दैट दैट की जगह पे क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सोनम सी हो गया है ना। कैन चेंज इनटू कुड कैन किस में बदल गया पास्ट फॉर्म में प्रेजेंट किस में बदल गया पास्ट फॉर्म में ठीक है ना।
दूसरा एग्जाम्पल, द मदर सेट टू हर सन, इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए सेट टू पहला चेंज होगा, ठीक है ना, और वो किस में बदल गया, टोल्ड में, ठीक है ना। दूसरा चेंज ऑकर होगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे, दैट होगा। नाउ वी, ये जो प्रोनाउन है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा दो है इसलिए क्या लिखा गया, दे, ठीक है ना। अब इसी में एक और चेंज हुआ है, वो है टू नाइट को किस में बदल दिया गया, दैट नाइट में, क्लियर है। लास्ट का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो द सेंट सेड वी शैल डू समथिंग फॉर द पीपल, द सेंट सेड पहला चेंज ऑकर हुआ किस में, इनवर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट, वी प्रोनाउन चेंज इनटू दे, ओके, शैल चेंज इनटू इट्स पास्ट फॉर्म शुड, रेस्ट रिमेन सेम, बाकी सारा कुछ सेम रह गया। समझ आ गई सबों को? यस यस सर, सर, यस सर, यस। नोट डाउन विद योर हैंड, आप अपने हाथों से सभी को नोट करिए क्विकली। पढ़ाई करो बेदे के, खेल रहे हो जी बेदे? क्या गेंद बॉल से खेल रहे थे जी? तो सर बॉल से नहीं खेल रहा सर, क्या चीज का खेल रहे थे? ये छोटा सा पंप है, पापा ने दिया था मेरे को। जैसे ऑन करो बोला, जैसे। हाँ इसे लिखना है जी लिखिए जी, कहते इसे लिखना, सर बैठे हुए हैं तो लिखने के लिए ना बाबू, लिखिए इसको, रेड ऑन कीजिए। किसे? डन सर। सबको लिख लेने दो बेटे, डन सर। आपका भी सर देख, लास्ट में कॉपी चेक करेंगे बाबू, शैतान लिखा कुछ नहीं है। लिखते सर, आप चेक कर लीजिएगा। सर आप मैच भी चेक कर लीजिएगा, मैं हर दिन भेज दूंगा। लिखिए बाबू।
एक मिनट बाबू एक मिनट, बैठे रोशनी ये बोले वीडियो तो ऑन कीजिए बाबू, ऐसे पैसे चलेगा नहीं पढ़ोगी तो। हाँ नहीं सर, अब जो है ना इस टॉपिक को यही चेंज करेंगे, क्योंकि ये अब एग्जांपल पे जाएंगे। अफर्मेटिव जो है ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन में इन एक लोग मिनट क्लास अभी नहीं लिखे हो। अच्छा चलो लिख लो जल्दी सर, भेज दिए हैं बेटा, डोंट बदर, चिंता ना करो। नाउ बेटा, अब हम आपको 5 मिसेलेनियस दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप चेंज करके सर मुझे आज की आज देंगे, ठीक है ना? होमवर्क है। ये अभी का काम होगा, होमवर्क मैं आपको सेपरेटली लिखाऊंगा, अलग से वो होगा, ठीक है ना? जो कि मैं आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक? सर ये क्लास वर्क की है क्या? सर यस बेटा, क्लास वर्क की है। लिखिए। So we have to write. Yes, you are right. Write it down. Sir, principal said we are going to enjoy Diwali holidays from होना चाहिए ना?
डन सर। वेरी गुड। एज होमवर्क फॉर द सर वीक, पूरे सप्ताह के लिए होमवर्क है बेटा, सॉल्व द गिवन असाइंड पेजेस इन कॉपी। मैं आपको कुछ कॉपी मतलब कि कुछ एक्सरसाइजेस सेंड कर रहा हूँ फ्रॉम अ बुक, कोई बुक से, ठीक है ना? आप उसको चेंज करके कॉपी में दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में चेंज करके आप लिख करके मुझे सेंड करेंगे सारे के सारे एक्सरसाइज के। ओके, नाउ एंजॉय योर डे। नोट ओके डाउन सर, दिस, थोड़ी थोड़ा नोट डाउन दिस। जल्दी। वाह सर नंबर। इन बच्चों से जरा बात किया जाए वो प्रैक्टिस पेपर के बारे में, 5 मिनट। हाँ, मैं उनसे फाइनल बात करना चाहूंगा इस। उसमें नरेशन वाला चैप्टर डायरेक्ट बाय। यही है ना? सर ब्लर आ रहे हैं। ये वाला एक्सरसाइज